Do it fast. Audio video is clear, then please raise your hands. ओके तो कल हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आपको वो लर्न करना अभी स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम कुछ ही टाइम में कुछ ही दिनों बाद आपका टेस्ट लेंगे जिसमें केमिस्ट्री के आई थिंक एक चैप्टर तो हो जाएगा और लगभग ये भी हाफ चैप्टर तक हम पहुंच जाएंगे। तो देखिए इसको अब स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर को जो कि है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये एसिड बेसिस सॉल्ट्स किस बेस पर कैटेगराइज किए गए हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर। देखिए एक केमिकल प्रॉपर्टी ये भी होती है कि हम लोग मटेरियल को कैटेगराइज कर सके किसके बेसिस पर, एसिड और बेसिस, ठीक है। और ये जो एसिड बेसिस हैं ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो सबसे सिंपल टेस्ट आपने पढ़ रखा था लिटमस पेपर से, रेड लिटमस ब्लू हो जाता है, ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, उसके बेसिस पर हम क्या डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा कंपाउंड या कौन सा सब्सटेंस एसिड है या कौन सा सब्सटेंस बेस है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हमने ये डिसाइड किया कि कौन कौन से एसिड्स हैं, कौन कौन से बेसिस हैं और कौन कौन से सॉल्ट्स होंगे। यस रुचि, मिस रुचि, अपेक्षा, मिस अपेक्षा, यस सर, व्हाट इज योर डाउट? यस सर, कोई डाउट है? रेज हैंड था यहाँ पर सर। वो आपने तो स्टार्टिंग में बोला था कि अटेंडेंस के लिए रेज हैंड कीजिए। ओके ओके, ओके देखिए एसिड बेसिस सॉल्ट सेकंड चैप्टर है और इसमें मैं आपको ये बता रहा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हमने मटेरियल्स को कैटेगराइज कर दिया एसिड्स के अंदर, बेसिस के अंदर एंड सॉल्ट्स के अंदर। और केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग केमिकल रिएक्शंस देखेंगे इस चैप्टर में, वही केमिकल रिएक्शंस होंगे जिससे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है और कौन से सब्सटेंस को सॉल्ट बोला जा सकता है। देखिए जो सॉल्ट होते हैं उनका नेचर भी एसिडिक या बेसिक हो सकता है, जो सॉल्ट होते हैं उनका नेचर भी एसिडिक या बेसिक हो सकता है। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, एक रिएक्शन लगी थी मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था वो एक बेसिक सॉल्ट है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो एक बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। तो मोस्टली जो सब्सटेंस है ना, मेनली जो कैटेगराइज किए गए हैं वो दो कैटेगरीज में डाले गए, एसिड्स के अंदर और बेसिस के अंदर। और जो सॉल्ट होते हैं वो एसिड और बेस दोनों हो सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी एसिडिक भी हो सकती है या उनकी प्रॉपर्टीज बेसिक भी हो सकती है। प्रॉपर्टी ना बोल करके मैं ज्यादा अच्छा वर्ड यूज करता हूँ, नेचर। तो सॉल्ट का नेचर एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने मेनली दो कैटेगरी बना रखी है, एसिड्स एंड बेसिस। तो जो भी सब्सटेंस मिलेंगे या तो एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे या न्यूट्रल होंगे। जैसे कि वाटर, वाटर H2O लिखते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो ये जो H2O है ये न्यूट्रल होता है। ये कैसा होता है? न्यूट्रल, ना ही इसका नेचर एसिडिक है ना ही इसका नेचर बेसिक है, ठीक है। तो अब देखिए, अब सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सके। तो मैं इसके आपको फिंगरप्रिंट्स बताऊंगा, इसके आइडेंटिफिकेशन के मार्क बताऊंगा कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा मटेरियल एसिडिक कहा जाएगा और कौन सा मटेरियल बेसिक कहा जाएगा। तो उसके लिए हम एक सब्सटेंस का यूज करते हैं, एक मटेरियल का यूज करते हैं जिसको क्या बोला जाता है, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या होती है? इंडिकेटर एक डाई होती है, डाई, ठीक है। डाई का मतलब होता है एक कॉम्बिनेशन, किस किस का कॉम्बिनेशन होता है डाई? तो यहां देखिए मैं लिखता हूं, डाई इज अ कॉम्बिनेशन, डाई इज ए सॉलिड पाउडर, ये सॉलिड पाउडर होता है डाई। इसको हम लोग किसमें ऐड कर देते हैं? इसको वाटर में ऐड कर देते हैं तो सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो डाई जो होती है वो सॉलिड होता है, पाउडर होता है, हम लोग इसको वाटर में ऐड करके इससे इंक क्रिएट कर सकते हैं, जो अलग अलग तरह की कलर की इंक आती है, ब्लैक कलर की, रेड कलर की। तो इंक कैसे बनाई जाती है? इंक बनाई जाती है डाई प्लस वाटर, वाटर के अंदर क्या ऐड कर देते हैं? डाई ऐड कर देते हैं, जिससे क्या क्रिएट हो जाती है? जिससे इंक क्रिएट हो जाती है। तो जो डाई है वो एक कलर है, एक सॉलिड पाउडर है, एक कलर है, जिसको हम लोग वाटर में ऐड करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंक्स बना सकते हैं। तो ये होती है डाई। जैसे कि हम लोग लीव्स को सुखा सकते हैं, रोज होता है,
जो रोज है वो रेड कलर की लीव्स होती हैं, उसको हम लोग ड्राई अप कर लेंगे, सुखा लेंगे, सुखाने पर रेड कलर का एक पाउडर मिल जाएगा, आप उसको डाई बोल सकते हैं। अब उस पाउडर को आप उस डाई को जैसे ही वाटर में ऐड करेंगे तो रेड कलर की इंक बन जाएगी। तो इस तरह से हम लोग इंक को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको मीनिंग बता रहा था डाई का। डाई एक सॉलिड पाउडर होता है जो हम अलग अलग तरह के मटेरियल से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर एक डाई है विच चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और ए बेस। इंडिकेटर एक डाई होती है जो जिसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। कब होगा? जब उसको एसिड में डालेंगे या किसी बेस में डालेंगे। तो क्या डेफिनेशन बोलेंगे? इंडिकेटर एक डाई होती है जो कलर चेंज करता है जब भी हम उसको किसमें ऐड करते हैं, किसी एसिड में ऐड करते हैं या बेस में ऐड करते हैं। जनरली देखिए ये तीन चार तरह की डाइज यूज की जाती हैं, और भी मैं आपको बताऊंगा, नेचुरल इंडिकेटर्स भी बताऊंगा क्या होते हैं। द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स आर, अब इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चार तरह के इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं, फर्स्ट लिटमस, सेकंड मैथिल ऑरेंज, नेक्स्ट फिनोफ्थलिन एंड फोर्थ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। सबसे पहला इंडिकेटर मैंने बताया लिटमस, सेकंड इंडिकेटर मैंने बताया मैथिल ऑरेंज, थर्ड इज फिनोफ्थलिन एंड फोर्थ वन इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अभी लिटमस क्या होता है? लिटमस हम लोग पेपर की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और लिक्विड फॉर्म के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं। तो लिटमस से स्टार्ट करते हैं। ये इंडिकेटर्स पढ़ने का रीजन ये है ताकि हम ये सीख सकें कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से मटेरियल को एसिड बोला जाए और कौन से मटेरियल को बेस बोला जाए। तो ये एक मेथड होगा इंडिकेटर्स का यूज करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल एसिडिक है और कौन सा मटेरियल बेसिक है। लिटमस, लिटमस जो है वो दो तरह से यूज किया जाता है, एक तो सॉल्यूशन की फॉर्म में और दूसरा पेपर की फॉर्म में। जो सॉल्यूशन है वो तो पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है और ये सॉल्यूशन के भी कलर चेंज होते हैं, और पेपर के देखिए क्या क्या कलर होते हैं। दो तरह के पेपर आते हैं, एक आता है रेड लिटमस, को पूरा लिखता हूं मैं, लिटमस पेपर, एंड सेकंड इज ब्लू लिटमस पेपर। तो देखिए लिटमस जो है उसको दो तरीके से यूज किया जाता है, उसको सॉल्यूशन की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, उसको पेपर की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। जनरली आपको जो एक्सपेरिमेंट के रूप में दिया जाएगा 10th क्लास में वो पेपर की फॉर्म में ही दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस पेपर को समझ लीजिए किस तरह से होगा। ये रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर काम आएगा किसको टेस्ट करने के लिए? बेस को टेस्ट करने के लिए। किसको टेस्ट करने काम में आएगा? बेस को टेस्ट करने के काम में आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए जो बेस है अगर उसके अंदर मैं रेड लिटमस पेपर डालूंगा तो ये कौन से कलर का हो जाएगा? ये ब्लू कलर का हो जाएगा। तो रेड लिटमस इज टर्निंग टू ब्लू कलर, जो रेड लिटमस है वो ब्लू कलर का हो रहा है। ऐसा कब होगा? जब मैं उसको किसमें ऐड करूंगा? बेस में ऐड करूंगा। एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जैसे कोई भी मटेरियल ले लेंगे, अभी मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैंने एक सॉल्यूशन बना रखा है वाटर सॉल्यूशन, किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये हमारे पास एक पेपर है, इस पेपर की स्ट्रिप को यूज करेंगे और इसको मैं इसके अंदर डिप कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसको इसमें पेपर को इस टेस्ट ट्यूब में डिप करूंगा तो हम देखेंगे कि ये जो लिटमस पेपर था ये पहले रेड कलर का था। तो जैसे ही डिप किया यहां से ये जो पेपर है ये कौन से कलर का हो जाएगा? तो अगर रेड लिटमस ब्लू हो रहा है तो ये आपको आइडेंटिफिकेशन देगा, ये आपको ये बताएगा कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी सॉल्यूशन था वो कैसे नेचर का था, वो बेसिक नेचर का था, वो बेस था, ठीक है। सेकंड टेस्ट देखिए, ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर किसको टेस्ट करने के काम में आता है? एसिड को टेस्ट करने के काम में आता है। एसिड को टेस्ट करेंगे तो ये ब्लू कौन से कलर का हो जाएगा? ये रेड कलर का हो जाएगा। तो ब्लू लिटमस पेपर को जैसे ही मैंने एसिड में डिप किया, एसिड के अंदर डाला, तो ये कौन से कलर का हो गया? रेड कलर का। तो सिंपली आप याद रखिए, अगर ब्लू लिटमस रेड हो रहा है तो एसिड है, और अगर रेड लिटमस ब्लू हो रहा है तो वो एक बेस है, तो वो एक बेसिक है। यस रोनित, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए सर। आप प्लीज एक बार लिटमस का वापस से समझा दोगे, क्योंकि लेट अटेंड किया था मैंने, एडमिट लेट हुआ मैं। ओके थैंक यू सर।
हाँ जी, देखिए लिटमस जो मैंने बताया ये एक इंडिकेटर है, ये एक डाई है। इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कलर चेंज करते हैं, किसमें? जब हम उसको एसिड में या बेस में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने किसको बताया था? सबसे पहले मैंने इंडिकेटर को बताया था। इंडिकेटर सब्सटेंसेस होते हैं जो कलर चेंज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। अब इंडिकेटर कितने टाइप के थे? फोर टाइप्स के मैंने बताए थे, लिटमस, सेकेंड इंडिकेटर मैथिल ऑरेंज, थर्ड इंडिकेटर फिनोफ्थलिन एंड फोर्थ इंडिकेटर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो सबसे पहले फर्स्ट इंडिकेटर को डिस्कस कर रहे हैं, लिटमस। लिटमस जो है वो दो तरह से यूज किया जाता है, सॉल्यूशन की फॉर्म में या पेपर की फॉर्म में। सॉल्यूशन की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, पेपर की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी सिर्फ पेपर वाला बता रहा हूँ, सॉल्यूशन वाला भी बताता हूँ, इस पर भी आते हैं। पेपर, पेपर दो तरह के, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर को जब बेस में डाला जाता है तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। और मैंने ये एक्सपेरिमेंट बताया कि जैसे ये टेस्ट ट्यूब लिया मैंने, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड था, मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर था, मैंने इसमें वाटर डाल दिया और ये सॉल्यूशन बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर का। अब मैंने इसके अंदर क्या डाला? रेड लिटमस पेपर डाला। तो रेड लिटमस पेपर को जैसे ही मैंने इसके अंदर डिप किया तो इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया और ये रेड से ब्लू हो गया। ये रेड से ब्लू हो गया तो ये किस बात का इंडिकेशन देगा? ये जो सॉल्यूशन था ये बेसिक सॉल्यूशन था। तो ये जो सॉल्यूशन था ये कैसा सॉल्यूशन था? ये बेसिक सॉल्यूशन था। और अगर ब्लू लिटमस रेड हो रहा है, अब एक्सपेरिमेंट सुनो, हम लोग लेमन जूस का यूज कर सकते हैं, सिट्रिक एसिड होता है उसके अंदर। तो लेमन जूस के अंदर है सिट्रिक एसिड, तो एसिड के अंदर मैंने ब्लू लिटमस पेपर को डाला, जैसे ही मैंने ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया ये ब्लू से रेड हो गया। ब्लू से रेड हो गया मतलब कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एसिड प्रेजेंट है। तो लेमन जूस के अंदर जैसे ही मैं ब्लू लिटमस पेपर डालता हूँ वो रेड हो जाता है, ये किसकी प्रेजेंस को बताता है? एसिड की प्रेजेंस को बताता है। अब ध्यान से सुनो आगे का एक्सपेरिमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ दिमाग लगाना अपना। मैंने रेड लिटमस पेपर को बेस में डाला था तो वो ब्लू हो गया था, यहां लिखता हूं मैं, जो रेड लिटमस पेपर था मैंने उसको किस में डिप किया? बेस में। जैसे ही बेस में डिप किया वो कैसा हो चुका है? ब्लू हो चुका है। तो रेड लिटमस इसको बेस में डाला, ये कैसा हो गया? ये पूरा का पूरा पेपर ब्लू हो गया। अब ये कौन सा लिटमस पेपर बन गया? ये तो ब्लू लिटमस पेपर बन गया। ये ब्लू लिटमस पेपर बन गया तो आप इसको एसिड को टेस्ट करने के काम में ले सकते हैं। तो लेबोरेटरी के अंदर अगर एक लिटमस पेपर होगा ना तो हम उसको दोनों काम में यूज कर सकते हैं। मान लीजिए लेबोरेटरी के अंदर ब्लू लिटमस पेपर नहीं था, लेकिन लेबोरेटरी के अंदर हमारे पास ऐसे सब्सटेंस थे, बेसिक सब्सटेंस थे, तो हमने रेड लिटमस का यूज किया, रेड लिटमस को एक बेस के अंदर डाल दिया, जैसे ही बेस में डाला वो ब्लू हो गया। अब वो ब्लू लिटमस बन चुका है, अब वो क्या बन चुका है? ब्लू लिटमस पेपर बन चुका है। तो मैं इसको किसको टेस्ट करने के काम में ले सकता हूं? मैं इसको एसिड को टेस्ट करने के काम में ले सकता हूं। अब दूसरी बात सुनिए, मान लीजिए हमारे पास लेबोरेटरी के अंदर रेड लिटमस पेपर नहीं है, रेड लिटमस पेपर नहीं है, सिर्फ कौन से वाला प्रेजेंट है? सिर्फ ब्लू वाला है। तो मैं रेड लिटमस कैसे बनाऊंगा? क्या करेंगे? प्रोसेस को रिवर्स कर दीजिए, मैं यूज करूंगा ब्लू लिटमस पेपर का और इसको किसमें डिप करूंगा? एसिड में। तो जैसे ही मैं इसको एसिड में डालूंगा वो ब्लू लिटमस पेपर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वो पूरा का पूरा रेड हो जाएगा। पूरा रेड हो जाएगा, उसको सुखा लेंगे तो ये कौन सा पेपर बन जाएगा? तो बन जाएगा रेड लिटमस पेपर। अब रेड लिटमस को क्या टेस्ट करने के काम में ले सकता हूं मैं? एक बेस को टेस्ट करने के काम में ले सकता हूं, ठीक है। तो अगर एक लिटमस पेपर भी होगा तो हम उससे दूसरा क्रिएट कर लेंगे। अगर ब्लू वाला आपको दे रखा है लेबोरेटरी के अंदर और रेड वाला नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे? ब्लू वाले को एसिड में डाल देंगे, एसिड में डालते ही वो पूरा रेड हो जाएगा, तो आपका रेड लिटमस पेपर तैयार हो जाएगा। और रेड लिटमस पेपर को आप यूज करिए फिर बेस को टेस्ट करने के लिए। तो बार बार उसको रेड से ब्लू, ब्लू से रेड किया जा सकता है, चेंज किए जा सकते हैं कलर्स। अब इसी के बेसिस पर सॉल्यूशन को समझिए कि ये पेपर कैसे बनाया गया होगा, सॉल्यूशन से बनाया गया होगा। यस मिस अपेक्षा सर, अगर अपेक्षा हम रेड लिटमस को एसिड में डालें और ब्लू लिटमस को बेस में डालें तो कुछ भी नहीं होगा, कलर चेंज नहीं होगा, नो चेंज, कलर चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो रेड लिटमस है वो कैसा हो रहा है? ब्लू हो जाता है जब इसको किसमें डाला जाता है? बेस में। और दूसरा मैंने आपको बताया था ब्लू लिटमस जो है
वो रेड हो जाता है जब हम इसको किस में ऐड करते हैं, एसिड में ऐड करते हैं। तो ये नॉलेज मैंने आपको दी। अब आप पूछ रहे हैं कि ब्लू लिटमस को ही बेस में डाल रहे हैं, डाल दो, कलर चेंज नहीं होगा। ब्लू लिटमस को अगर आप बेस में ऐड करेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, बस कलर चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब जो ब्लू लिटमस है वो बेस को टेस्ट करने के काम में नहीं आ सकता, उसके लिए आपको रेड लिटमस पेपर ही यूज करना पड़ेगा। अब इस सॉल्यूशन पे आइए, जो लिटमस है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में भी आता है, और कैसा सॉल्यूशन होता है, पर्पल कलर का सॉल्यूशन। अब ये जो पर्पल कलर का सॉल्यूशन है, इसको जब मैं एसिड में डालूंगा तो ये पर्पल कलर से रेड हो जाएगा, जब मैं इस सॉल्यूशन को बेस में डालूंगा तो ये पर्पल कलर से कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्यूशन की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। अगर लेबोरेटरी में लिटमस पेपर नहीं है तो हम सॉल्यूशन का भी यूज कर सकते हैं, सॉल्यूशन का कलर पर्पल होता है, और इस सॉल्यूशन को, लिटमस सॉल्यूशन को जैसे ही मैं एक एसिड के अंदर ऐड करूंगा, जैसे ही मैं एसिड में ऐड करूंगा तो ये पर्पल कलर से रेड हो जाएगा, और जब मैं इस पर्पल सॉल्यूशन को किसी बेस में ऐड करूंगा तो ये पर्पल कलर से ब्लू कलर का हो जाएगा। तो बस इससे समझ आ जाएगा हमें कि पर्पल से रेड हो रहा है तो मतलब वो एसिड था, पर्पल से ब्लू हो रहा है तो मतलब वो बेस था। तो आप इन चीजों को शॉर्ट में नोट करते रहिए साथ साथ, क्योंकि मैं कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ रैंडमली किसी से भी। जो वरुण बजाज, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, व्हाट इज योर क्वेश्चन सर? सॉल्यूशन को टू टाइम्स यूज कर सकते हैं, मतलब दोनों को, एसिड और बेस में दोनों को मैं यूज कर सकते हैं? हाँ यूज कर सकते हैं, जब ये रेड हो जाएगा तो इसको आप बेस में डाल दो, जो रेड कलर का सॉल्यूशन है जब हम इसको बेस में डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा, वो भी दोबारा यूज हो सकता है, चेंज कर सकते हैं कलर उसका भी दोबारा से। नेक्स्ट, रोनित सर, सॉल्यूशन को अगर अपन ने किसी लिक्विड में डाला तो दो मिक्स हो जाएगा सर, अपन सॉल्यूशन को वापस से को अलग कैसे करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे? यही तो प्रॉब्लम आएगी फिर, हम इसीलिए तो लिटमस पेपर तैयार करते हैं ताकि उसको रीयूज कर सके। देखो अब जैसे ये रेड कलर का सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, बन गया रेड कलर का सॉल्यूशन, तो मैं क्या करूंगा, एक पेपर की स्ट्रिप लूंगा, एक मैंने पेपर की, कोई भी नॉर्मल पेपर यूज कर सकते हैं, तो मैंने पेपर की स्ट्रिप ली और इस सॉल्यूशन में डिप कर दी, इस सॉल्यूशन में जैसे ही डिप की वो रेड लिटमस पेपर प्रिपेयर हो जाएगा, और दूसरे स्ट्रिप में इसमें ऐड करूंगा तो वो दूसरी स्ट्रिप बन जाएगी ब्लू कलर की। तो ये जो पर्पल कलर का सॉल्यूशन था, इसी से तो पेपर बनाए गए हैं, इसी से पेपर बनाए गए हैं ताकि हमें सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स ना करना पड़े, ठीक है, मटेरियल की भी वेस्टेज होगी और पेपर की फॉर्म में हम उसको रीयूज कर सकते हैं बार बार। नेक्स्ट देखिए, लिटमस पेपर हो गया। अच्छा, ये लिटमस कहाँ से मिलता है, कैसे बनेगा? तो ये बनता है लाइकेन प्लांट से। जो लाइकेन है वो थैलोफाइटा ग्रुप के होते हैं, ये आपने 9th क्लास में स्टडी किया था, ठीक है, जो लाइकेन्स हैं वो थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर आते हैं, बायोलॉजी में आप ये स्टडी करते हैं। और लाइकेन्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, रॉक्स के ऊपर, चट्टानों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, छोटे छोटे जो प्लांट्स ग्रो होंगे और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के दिखाई देंगे, इनको लाइकेन्स बोलते हैं, थैलोफाइटा होते हैं, फ्लावर्स नहीं होते हैं इस प्लांट के अंदर, ठीक है, और स्टेम लीव्स इनको क्या नहीं कर सकते, डिफरेंट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, अलग अलग पहचान नहीं सकते कि यहाँ कौन सा स्टेम है, कौन सा रूट है और कौन सा लीफ है, तो ये थैलोफाइटा होते थे। तो लाइकेन प्लांट से क्या ऑप्टेन किया जाता है, लिटमस। लाइकेन प्लांट से क्या ऑप्टेन किया जाता है, लिटमस ऑप्टेन किया जाता है। और लाइकेन कौन से ग्रुप में आता है, थैलोफाइटा ग्रुप का एक प्लांट है। और एक बात और सुनिए, नॉलेजफुल बात सुनिए, लाइकेंस की प्रेजेंस जहां पर ज्यादा होगी इसका मतलब वहां पर एयर पोल्यूशन ज्यादा है। लाइकेन एक तरह की एल्गी ही है, ये एल्गी आपने पढ़ा होगा, तो अगर किसी जगह पर एयर पोल्यूशन ज्यादा है तो वहां पर आपको बहुत सारे लाइकेंस दिखाई देंगे, ठीक है। तो लाइकेंस की प्रेजेंस आपको ये बताएगी कि इस एरिया के अंदर एयर पोल्यूशन ज्यादा है, फैक्ट्रीज के अंदर से जो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो टॉक्सिक गैसेज है वो रिलीज हो रही हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, और उसकी प्रेजेंस में, ये नाइट्रोजन सल्फर इनकी प्रेजेंस में जो लाइकेंस है वो फास्ट ग्रो करते हैं, जल्दी ग्रो करते हैं। ये थोड़ी सी बायोलॉजी भी पढ़ ली हमने केमिस्ट्री के अंदर। अब इसके बाद सेकेंड देखिए, सेकेंड मैंने आपको बोला
मैथिल ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज। ये जो मैथिल ऑरेंज है, सबसे पहले इसका आप नॉर्मल कलर देखिए क्या होता है, नाम से पता चल रहा है मैथिल ऑरेंज, तो बेसिकली ये कौन से कलर का होगा, डार्क ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, ऑरेंज कलर का फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ इसका, C14H14N3NaO3S, ये इसका फॉर्मूला है मैथिल ऑरेंज का, C14H14N3NaO3S, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैथिल ऑरेंज। अब कलर चेंजेस क्या होते हैं, जब हम इसको एसिड में ऐड करेंगे, जब हम इसको एसिड में ऐड करेंगे तो इसका कलर चेंज होगा। क्या कलर चेंज होगा देखिए यहाँ पर, और एक और था कौन सा, बेस, बेस में जब डालते हैं तो ये हो जाता है कौन से कलर का, येलो कलर का, और एसिड के अंदर इसका जो कलर है वो हो जाता है रेड। एसिड के अंदर इसका कलर भी क्या हो जाता है, रेड। तो इसको नोट कर लीजिए आप, एसिड में ऐड करेंगे तो मैथिल ऑरेंज रेड हो जाएगा, और अगर बेस में ऐड करेंगे तो ये येलो कलर का हो जाएगा। तो ये कलर नोट कर लीजिए आप। मैथिल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, लेबोरेटरी के अंदर इसको प्रिपेयर किया जाता है, काफी बड़ी प्रोसेस है इसको प्रिपेयर करने की। ठीक है, तो ये मैथिल ऑरेंज को प्रिपेयर करेंगे, ये भी एक इंडिकेटर की तरह वर्क करेगा, एसिड में जब डालेंगे तो ये ऑरेंज से रेड हो जाएगा, और अगर इसको जब बेस में डालेंगे तो ये ऑरेंज से येलो कलर का हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए। और ये किस फॉर्म में मिलेगा आपको, सिंथेटिक इंडिकेटर है ये, नेचुरल नहीं है। ये किस फॉर्म में मिलेगा आपको, सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलेगा मैथिल ऑरेंज। नोट कीजिए, कलर नोट कीजिए इसके, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड इट टर्न्स टू रेड, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस इट टर्न्स टू येलो। नेक्स्ट देखिए फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन के बारे में बात करते हैं, क्या होता है फिनोफ्थलीन। द थर्ड इंडिकेटर इज फिनोफ्थलीन, स्पेलिंग लिख लेना भैया, वो मेरी क्लास चल रही थी आंटी, बाद में बात करा दूं। ध्रुव, मिस्टर ध्रुव, बाय मिस्टर ध्रुव, आपकी आवाज आ रही है, क्लास अटेंड कर रहे हो या किसी और से बात कर रहे हो? अरे सर, मिस्टर सर, सॉरी सर। अरे क्या हो गया, रेज हैंड हो गया था क्या? हाँ, नहीं नहीं सर, डाउट पूछना था। हाँ जी बोलिए सर। वो इसको मिथाइल ऑरेंज को रीयूज कर सकते हैं? नहीं सर, इसको रीयूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि सॉल्यूशन की फॉर्म में, आप जैसे इसको बेस में डालोगे तो जो नए कंपाउंड्स क्रिएट हो जाएंगे। देखिए कलर चेंज होता है, कलर चेंज किस में होता है, केमिकल रिएक्शन में। तो जैसे ही मैं मिथाइल ऑरेंज को डालूंगा किसी बेस के अंदर तो कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज होने का मतलब है कि उसमें केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो नया सब्सटेंस बन गया। ठीक है, वो डिफरेंट टाइप सब्सटेंस बन जाएगा, कुछ केमिकल बॉन्ड क्रिएट हो जाएंगे, कुछ केमिकल बॉन्ड टूट जाएंगे। तो नया सब्सटेंस बन गया तो फिर उसको रीयूज नहीं कर पाएंगे हम। क्योंकि एक से भी अपन काम चला सकते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मिथाइल ऑरेंज प्रॉपर नहीं है या फिर लिटमस प्रॉपर नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स को यूज करने का कुछ रीजन है। अभी हम पढ़ेंगे पीएच के बारे में, इस चैप्टर में आएगा पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, ये एसिड की क्या पीएच होती है। पीएच एक नंबर होता है जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। अब जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, इनको स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड जिनका कुरोसिव इफेक्ट होता है, ये जिस भी ऑब्जेक्ट पर गिरेंगे उसको गला देंगे, सड़ा देंगे, खत्म, खराब हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जैसे कि सिट्रिक एसिड होता है, लेमन जूस के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, तो वो है वीक एसिड। तो वीक एसिड है उसका, उसको तो हम लोग खा भी लेते हैं, ईट भी कर लेते हैं, ड्रिंक भी कर लेते हैं सिट्रिक एसिड को, लेमन जूस को,
तो फिर उसके तो इफेक्ट हमारी बॉडी पर नहीं होता, तो इसका मतलब वो वीक एसिड है, उसको खाया जा सकता है, ईटअप किया जा सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स के यूज करने का रीजन ये है ताकि हम उसके अंदर ये देख सकें कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो NaOH होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, NaOH का भी सेम इफेक्ट है, अगर आप उसको किसी भी ऑब्जेक्ट पर गिराओगे तो उसका भी कोरोसिव इफेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट खराब हो जाएगा उस बेस के कारण से, ठीक है। और एक नॉर्मल बेस होता है जैसे कि NaCl यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड, वो भी बेसिक है लेकिन उसका तो कोई कोरोसिव इफेक्ट नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज करने का रीजन है कि हमें ये भी तो पता लगाना है कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, उसी के बेसिस पर तो हम उसको यूज करेंगे। जब तक ये नहीं पता लगेगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, तब तक हम यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कार्बोनिक एसिड H2CO3, इसको हम लोग कोल्ड ड्रिंक में यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक खट्टी होती है, उसका रीजन ये है कि उसमें कार्बोनिक एसिड होता है। क्या होता है? कार्बोनिक एसिड। अब देखिए ये कंप्लीट करता हूँ पहले मैं, फिर डाउट लूंगा। फिनोफ्थलीन जो है, पहले उसका फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, ये भी एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, C20H14O4, C20H14O4, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फिनोफ्थलीन। ये भी किस फॉर्म में मिलता है? सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलता है। कलर कैसा होता है इसका? नेचुरल कलर कैसा होगा? कलरलेस, ये कलरलेस सॉल्यूशन है। जब मैं इसको एसिड में डालता हूं तो कलर में चेंज नहीं होता, नो चेंज इन कलर। डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स बनाने का रीजन ये भी है कि हम अगर एक इंडिकेटर प्रेजेंट नहीं है तो दूसरा यूज कर लेंगे, दूसरा प्रेजेंट नहीं है तो तीसरा यूज कर लेंगे। अब हल्दी को भी तो यूज कर सकते हैं, टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है, येलो कलर का होता है, बेस में डालोगे तो कलर चेंज हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। तो टर्मरिक भी एक इंडिकेटर की तरह यूज किया जा सकता है। अब देखिए क्या बता रहा था मैं, फिनोफ्थलीन जब इसको एसिड में डालेंगे नो चेंज इन कलर, मतलब कि ये कैसा रहेगा? कलरलेस ही रहेगा, इसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा जब इसको एसिड में डालेंगे। लेकिन जैसे ही बेस में डालेंगे ये हो जाएगा पिंक कलर का, जैसे इसको बेस में ऐड किया जाएगा ये कैसे कलर का हो जाएगा? ये हो जाएगा पिंक कलर का। नोट कीजिए इसको जल्दी से, फिनोफ्थलीन को इन एसिड इट रिमेन्स कलरलेस, इन बेस इट बिकम्स ऑफ पिंक कलर, ये पिंक कलर का हो जाएगा। फॉर्मूला है C20H14O4, इट इज ए कलरलेस सॉल्यूशन, फिनोफ्थलीन। नेक्स्ट देखिए ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है सेंस ऑफ स्मेल। तो हमें स्मेल को देखना पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा, देख नहीं सकते हैं, उसको सेंस करना पड़ेगा, सूंघना पड़ेगा। तो नेक्स्ट इंडिकेटर देखिए ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स, इजी है ये तो बड़े, ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो ऑल फैक्ट्री का मीनिंग मैंने क्या बताया, रिलेटेड टू द सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड जो इंडिकेटर्स हैं, दीज आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब एग्जांपल सुनिए, एग्जांपल है अनियन एक्सट्रैक्ट, अनियन जूस भी बोल सकते हैं। एक प्याज लेंगे और उसको दबा देंगे, कंप्रेस कर देंगे, उससे जो एक्सट्रैक्ट निकलेगा, जूस निकलेगा, उसको बोलेंगे अनियन एक्सट्रैक्ट। इसी तरह से एक और यूज कर सकते हैं, वैनिला एक्सट्रैक्ट, वैनिला के नाम पर आइसक्रीम याद आ गई। वैनिला एक प्लांट होता है, ये एक फ्लेवर है, वैनिला एक प्लांट है, और उस प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका जो जूस निकालते हैं, उसको वैनिला एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। और हम इसको कुछ मटेरियल, फूड मटेरियल को प्रिपेयर करने में यूज करते हैं फ्लेवर के लिए। नेक्स्ट इज, फर्स्ट इज अनियन एक्सट्रैक्ट, नेक्स्ट इज वेनिला एक्सट्रैक्ट, एंड थर्ड इज क्लोव, CLOVE। क्लोव क्या होता है? क्लोव बोलते हैं लौंग को, लौंग इलायची होती है ना, लौंग। तो लौंग जो है उसको क्लोव बोला जाता है। अब ये तीनों ही जो है, इनकी जो स्मेल है वो काफी तेज होती है, पंजेंट होती है, पंजेंट मतलब कि तेज होती है स्मेल, काफी इजीली आइडेंटिफाई की जा सकती है। तो जब मैं अनियन एक्सट्रैक्ट, वेनिला एक्सट्रैक्ट और क्लोव, इनके ऊपर जब मैं एसिड को डालूंगा,
तो स्मेल को क्या किया जा सकता है, स्मेल कैन बी डिटेक्टेड, इसकी स्मेल को डिटेक्ट किया जा सकता है। और जब मैं इसको बेस में ऐड करूंगा या मैं बेस इन तीनों एक्सट्रैक्ट के अंदर डालूंगा तो क्या होगा, स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड, स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड, जो स्मेल है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे हम, सेंस नहीं कर पाएंगे, तो जो स्मेल है वो डिसअपियर हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, दिखती तो है ही नहीं वैसे भी, ऑलरेडी डिसअपियर है वो। स्मेल जो है वो एक मटेरियल होता है, स्मेल का मतलब होता है पार्टिकल्स, ये अनियन के पार्टिकल्स जो है, वेनिला के, क्लोव के पार्टिकल्स हैं, उसी से स्मेल क्रिएट होती है। तो स्मेल जो है वो मैटर के अंदर आता है, मटेरियल के अंदर आता है। अब देखिए, अनियन एक्सट्रैक्ट है, वेनिला एक्सट्रैक्ट है, क्लोव है, तीनों की डिफरेंट डिफरेंट स्मेल होती है, और जब मैं एसिड इसके ऊपर डालता हूँ या इनको एसिड में ऐड करता हूँ, इनकी स्मेल को डिटेक्ट किया जा सकता है, मतलब इनकी स्मेल के अंदर कोई चेंज नहीं आता, कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब हमने जिस भी सॉल्यूशन में इनको डाला था वो एसिडिक था। और जब मैंने इन तीनों को किसी बेसिक के अंदर डाला या किसी बेस सॉल्यूशन में डाला, तो उस समय पर इनकी स्मेल जो है वो उसको हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। अनियन एक्सट्रैक्ट था, उसको किसी बेस में डाल दिया, बेस में डाला तो उसकी स्मेल आनी बंद हो गई। वेनिला एक्सट्रैक्ट को बेस में डाला तो स्मेल आनी बंद हो गई। क्लोव जो लॉन्ग थी, उसको किसी बेस में डाला तो उसकी स्मेल भी आनी बंद हो गई। तो जब इनकी स्मेल को हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब वो बेसिक सॉल्यूशन था, और जब इसकी स्मेल आ रही है तो मतलब वो कैसा सॉल्यूशन है, वो एसिडिक सॉल्यूशन है। हाँ जी, ओके, मैं आपको नेचुरल इंडिकेटर बताना चाहता हूँ, लेकिन टाइम जो है वो 3-4 मिनट ही है सिर्फ, तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो कल डिस्कस करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स को। अभी आप क्वेश्चन पूछिए। हार्दिक गुप्ता। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। यस मिस्टर, गुड आफ्टरनून बेटा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर, जो अपनी डेली लाइफ होती है सर, उसमें कोई बेसिस का नाम बता दो सर, जैसे अपने जो हाउस होल्ड में अवेलेबल हो। डेली लाइफ में कोई बेसिक यूज कर रहे हैं? बहुत सारे बेसिक यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सोडियम क्लोराइड NaCl, वो एक बेसिक है। इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, ये होता है MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इनो पीते हैं ना, इनो, पेट में, पेट में एसिडिटी हो जाती है, इनो का यूज करते हैं, तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो भी एक बेस है। टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, टूथपेस्ट के अंदर बेस होता है, क्योंकि हमारे माउथ के अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारा टूथ डिके होगा, टूथ डिके, जो दांत है वो गलने शुरू हो जाएंगे, उनकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, तो इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं। और टूथपेस्ट में क्या होता है, नमक, सॉरी, टूथपेस्ट के अंदर क्या होता है, बेस, और वो जो बेसिक सब्सटेंसेज हैं वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अभी इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आएगी, एसिड और बेस जब एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यस सर, मिस्टर सर, गुड आफ्टरनून सर। सर, मेरा क्वेश्चन सर फर्स्ट चैप्टर से है। हाँ जी बोलो सर। जो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है सर, उसको जब हम हीट करते हैं तो सर वो कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट बना लेता है 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पे। लेकिन सर होता क्या है कि लास्ट वाटर मॉलिक्यूल लूज नहीं होता, वो जो है 230 डिग्री सेल्सियस पे जाके लूज होता है, ऐसा क्यों? हाँ जी, ऐसा क्यों, तो उसका रीजन समझिए। देखिए, कॉपर सल्फेट को पहले मैं अलग अलग करता हूँ। कॉपर Cu+2 SO4-2 ऐसा लिखा जाता है जनरल इंस्ट्रक्शन जनरली। और ये जो Cu+2 है, ये किसको अट्रैक्ट कर सकता है? H2O के अंदर होता है H+, और क्या होता है, O-2, तो ये Cu+2 O-2 को अट्रैक्ट करता है। इसी तरह से ये एक H2O यहाँ जुड़ा, दूसरा H2O यहाँ जुड़ा हुआ है, तीसरा H2O यहाँ जुड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये -2 है, -2 किसको अट्रैक्ट कर सकता है? H+ को अट्रैक्ट कर सकता है, पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट कर सकता है। तो इस तरह से ये 5 H2O इसके साथ जुड़े होते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं CuSO4.5H2O, ये लिख दिया हमने इसको, ये बना पेंटाहाइड्रेट। पेंटा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, इसके साथ में 5 मॉलिक्यूल्स ऐड हैं, दिस इज नोन एज पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट, या इसको बोल सकते हैं 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
तो हमने इसको हीटअप किया, हीटअप किया तो भैया 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हुआ कि जिनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके साथ कम थे, जो इसके साथ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड नहीं थे, तो वो तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, वो रिलीज हो जाएंगे। अब एक H2 इसके साथ जुड़ा रह गया, क्यों जुड़ा रह गया, कारण समझ आ रहा है आपको, कारण तो समझ आ रहा है क्यों, क्योंकि इधर क्या है H+, इधर है H+, और यहाँ पर क्या था O-2। अब O-2 ये +2 अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा, इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये इसके साथ जुड़ा रहेगा, मोनोहाइड्रेट बनाएगा, और गर्म करेंगे तो इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स टूटेगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये वेपर में, इसको छोड़ करके चला जाएगा, फिर जो कॉपर सल्फेट है वो एनहाइड्रस हो जाएगा, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स उससे लूज हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।